और काफी बड़ा। कॉमन क्रैच के बारे में हम बताते हैं कि मुंह से करीबन 4 से 5 इंच देखिए पूरा ब्लैक पकड़ ले कि उधर ना जाए भाई, उधर ना जाए। चलिए एक बार फिर से जिंदगी मौत से रूबरू होने के लिए हम लोग कहाँ गए इधर आ गए भाई, रुपौली रुपौली रुपौली। और करीबन हम अपने प्रस्थान से करीबन हम जो है ना कि वही 40 किलोमीटर दूरी पर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। और इनके यहाँ जो है कोई सांप जो है कि काफ़ी विषैला सांप जो इन लोग बोल रहे हैं कि कॉमन क्रैक मतलब कि साइलेंट किलर है, उस सांप को हम लोग को रेस्क्यू करना है, उसको सही सलामत रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ देंगे या फिर वन विभाग का हैंड ओवर कर देंगे। क्योंकि बार बार हम बताते हैं कि सांप हमारा आपका मित्र नहीं, सांप हमारा पर्यावरण मित्र है, इसलिए सांप को बचाना बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलिए आइए दिखाई किधर की ओर। फाइनली अब हम लोग आ गए और यहाँ पे जो है कि सब लोग जो है कि नज़र बनाए हुए हैं कि सांप कहीं भागे ना। ओ माय गॉड, और ये देखिए ये हमारा, एक मिनट आप लोग दूर रहे, और काफी बड़ा एकदम, आप लोग मूवमेंट ना मत करें, मूवमेंट करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और काफी बड़ा और इतना बड़ा सांप जो है ना कि बहुत ही कम देखने को मिलता है, और रियल में ये निशाचर होता है, बिग साइज का काफी बड़ा है, और इतना बड़ा सांप जो है ना तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। ओहो ये दिखाई यहाँ पे गजब, और काफी कितना चमकीला। हाँ अरे वाह, हटा ना मुंह, और इधर छेद भी है। हाँ हाँ उधर से तो आया है, जन अंदर उधर से ही है। देखिए अब ये बहुत शर्मिला होता है, शर्मिला आता है ना। हाँ, और ये सांप, ओहो ओह, और और इतना बड़ा बिग साइज का ये सांप देखना जो है ना कि बहुत ही रियल में, और इतना बड़ा सांप बहुत ही कम देखने मिलता है। ये कॉमन क्रैच जिसे कॉमन क्रैच बोलते हैं। चलिए ठीक से चलिए चलिए चलिए, आप लोग पूर जाएंगे हमसे। चलिए चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और भारत का सबसे खतरनाक सांप इसे माना जाता है, मतलब कि और सबसे बदनाम सांप। दूर हो जाए बच्चे लोग, नाम बता दीजिए इसका सर। जी जी हाँ, अरे दूर रहिएगा आप लोग। चढ़ जाता है, और सोते समय ही आदमी को सबसे अधिक ये सांप काटता है, जिसके कारण आदमी को पता नहीं चलता और आदमी का जाने की मौत हो जाता है। काफी बिग साइज का, जी जी आप लोग जहाँ हैं वहीं पे खड़े रहें। जी पहाड़ी नहीं, ये पाल जाए छे अपने यहाँ पाल जाए छे, ठीक है अपने यहाँ ही सांप मिले छे। हाँ मात्रा में पाया जाता है जी हाँ, ये शर्मिला होता है, मतलब कि ये रात में ही जो है ना, और अधिक जो है ना कि ये रात में ही निकलता है निशाचर, तो हम लोग जो है ना कि निशाचर बोलते हैं रात में निकलने वाला सांप। और काफी सारे लोग जो है ना कि सांप को देखने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, और रात्रि के करीबन 9 तो बज गया होगा ना, 9 बज गया, हम अपने प्रस्थान से करीबन 40 किलोमीटर दूर है। और यहाँ तो ये घर वाले लोग देखिए, हम लोग का काम कितना मेहनत अति होता है टफ, आप लोग के यहाँ से तो ये पकड़ लिए सांप, अब आप लोग टेंशन फ्री, लेकिन इसके बाद जो है कि टेंशन हम लोग को हो जाए। देखिए बार बार जो है कि सांप के बारे में ये कॉमन क्रैच के बारे में हम बताते हैं कि मुँह से करीबन 4 से 5 इंच देखिए पूरा ब्लैक, 4 से 5 इंच तक पूरा ब्लैक, और उसके बाद व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक का डॉट 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 ये निशान आने लगता है। इस सांप को जो है कॉमन कलर सांप को साइलेंट किलर को पहचानने का सबसे आसान तरीका, मुंह के पास आपको देख लेना है, मुंह के पास से
चार से पाँच इंच जो है पूरा काला रहता है, और उसके बाद व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक डॉट 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 काफी। चलिए वहाँ पे मेरा कैरी बैग था, चलिए सब हम लोग सही सर। ओह माय गॉड काफी जाने हैं। और हमारा जो तकिया कलाम है ओह माय गॉड ये सुनकर लोग डर गए हमारे बच्चे लोग। चलिए एक बार आप लोग जोर से बोलिए तो ओह माय गॉड कैसे हम बोलते हैं। ओह माय गॉड। अब हमारे पास हम आपके पास आ गए हैं तो भागने नहीं देंगे। लॉक में हवा दिल्ली लॉक में हवा प्रचार कर दीजिए आप प्रसादी उरसादी लेके। हम पकड़ लेते उधर ना जाए भाई उधर ना जाए। चलिए हम इनके पास जाने ही नहीं देंगे। और जो भी लोग होते हैं वो हिंदू धर्म से हम भी हैं तो हमें जो है कि साइंस भी चाहिए और हमें विज्ञान भी चाहिए। दोनों चीज हमें चाहिए और साइंस के नाम पर आप बचा दीजिए और विज्ञान के नाम पर हम बचा देते हैं। साइंस साइंस के नाम पर हम बचा देते हैं अब आपकी धर्म के नाम पर आप बचा दीजिए। आप पहले बार दिन में हाँ हाँ चलिए इसको सही सलामत रेस्क्यू कर लिया जाएगा और सही सलामत इसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा या फिर वन विभाग के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर को लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसे ही बेजुबा जानों का जान बचाया जा सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक और खतरनाक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय जय।